देखिए कांग्रेस के बिना क्यों नहीं पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस भले ही सबसे पीछे हो जाए या कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, एक कहावत है। और जो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है सेंटीमेंटली, वो लीडर नहीं बन सकता है। इतनी बड़ी या इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप नहीं हो पाई है कि बीजेपी जो है बैकफुट पे चली जाए, कुछ कोशिशें की थी। अच्छा, बहन जी यानी मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं तो ये भी बोलता हूँ, मेरे कहने का मतलब अपनी मैंने एक टर्म बोला है कि इंडिया की डाइवर्सिटी केवल कल्चरल मत देखिए, कल्चरल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है, उन सारे डाइवर्सिटी को अपने में समाहित करना ही एक ट्रू लीडर का काम होता है जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सौभाग्य से ये चीज आप देखिए नरेंद्र मोदी मोदी जी के अंदर ये चीजें मिली। जब वो मिली तो अपने आप को वो हर स्टेट से हर जगह से वो कनेक्ट कर लेते हैं। मोदी जी ने बाहर के भाषणों में कभी भी गुजराती शब्द का यूज नहीं किया या गुजराती टोन आती है। तो इंडिया की डाइवर्सिटी को देखिए, जो कि एक बेसिक पैरामीटर होता है, अगर उस पैरामीटर पे आप सूट करते हैं जितने भी तरीके की मैंने डाइवर्सिटी बताई, तो डेफिनेटली सारी पार्टियां आपके नीचे आएंगी। अगर उस लेवल पे हर राज्य में आज भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं क्या वो जॉइंटली टुगेदर हो सकती हैं या नहीं हो सकती। पहले दो ही ग्रुप थे, एक एनडीए ग्रुप था जो कि ऑफ़ कोर्स बीजेपी रन बाय बीजेपी, एक यूपीए था जो कि रन बाय कांग्रेस पार्टी। अब यूपीए की अहमियत बहुत कम हो गई है और ममता बनर्जी ने उसकी अहमियत ज़ीरो करने की कोशिश कर दी। लेकिन सबसे पहले वेलकम करेंगे श्री ए के मिश्रा जी को, जिनके बारे में सिर्फ इतने कहूँगा कि मैंने रिसेंटली एक एंकर को हिंदुस्तान में सुना, कहता जी ये कभी तो बीजेपी को नाराज़ कर देते हैं, कभी बीजेपी के हक में बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि ये निडर हैं, जो इनके माइंड में सच नज़र आता है ये वही बोलते हैं, और निडरता ही जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म ये नहीं है कि आप किसी एक आदमी के चमचागिरी करो, निडरता ये है कि आप एक प्रॉब्लम का पूरी तरीके से एनालिसिस कर सको, उसका गुड एंड बैड चाहे वो कोई भी हो उस वक्त राज में, इट डजंट मैटर, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हाउ यू कैन डाइसेक्ट द प्रॉब्लम एट दैट टाइम। डाइसेक्शन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद रीजनिंग विद लॉजिक। वैसे तो आप कुछ भी विदाउट रीजनिंग एंड लॉजिक आप कुछ भी कर सकते हो। जो जर्नलिस्ट है ना वो प्रो कंट्री तो हो सकता है, लेकिन जो जर्नलिस्ट है वो प्रो पार्टी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। उसको थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंस रखनी पड़ेगी। आइए वेलकम करते हैं हिंदुस्तान का इस वक्त मीडिया में जाना पहचाना नाम श्री ए के मिश्रा जी। कंसल्टेंट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं और आवाज़ बुलंद आवाज़ के मालिक हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जैसे आजकल ए के मिश्रा जी टीवी चैनलों के ऊपर बुलंद आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको नमन है और आपके प्रोग्राम के माध्यम से हमारे सीडीएस श्री विपिन रावत जी को अंतिम प्रणाम जो है, अलविदा का प्रणाम जो है मैं बोलना चाहूंगा। जरूर हमारी श्रद्धांजलि है, लोग शहीद हुए हैं। जी, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आदमी शहीद हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो जवान हो, जी हैं जी, उनको श्रद्धांजलि देना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। एंड आई एम ग्लैड, मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कि सारा हिंदुस्तान जो है वो उनको श्रद्धांजलि दे रहा था, बल्कि उनके साथ जो बाकी के 13 जिनकी डेथ हुई है उनको भी मैं अपना सिर झुकाकर जो है नमन करता हूँ। जी डॉक्टर साहब तो जी, प्लीज आप कौन जो मैंने आपने सुनी मेरी इंट्रोडक्शन, अब उसमें आपकी क्या जी कंट्रीब्यूशन है?
देखिए डॉक्टर साहब, ये तो आपका आशीर्वाद रहता है जो आप आई डोंट नो तारीफें आप करते हैं। ये एक मोटिवेशन मैं जरूर लूंगा कि जस्ट डबल एज का जो है गैप है, आप बुजुर्ग हैं हमारे, हमने तो अभी मुश्किल से 3-4 साल 5 साल पहले, आपका तो 40 साल से एक्सपीरियंस है। लेकिन आपका जो ये सवाल है डॉक्टर साहब, ये बड़ा जेन्यून है। और यहाँ पे आज हम अगर फिर इस पे बात करेंगे तो हम बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टी का किसी की भी तरफ टिल्ट हो के हम नहीं करेंगे। हम इसको बेखौफ होके भारतीय राजनीति में, और हम उस टाइम से बात करेंगे जब कांग्रेस का प्रादुर्भाव हुआ था, कांग्रेस की जो जब ये पार्टी बनी थी, आइडियोलॉजी इसका डेवलप हुआ था, और क्यों ये एक टाइम ऐसा था जबकि ये एक छत्र इसने राज किया, और क्यों कभी ऐसा लगता था कि पूरा अगर नेशन वाइड कोई अगर राज कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकता है या कांग्रेस के सपोर्ट के साथ कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता है। आपने एक चीज का जिक्र किया कि ममता बनर्जी ने जो ये चीज एक नेग्लेक्ट किया हुआ है कि भाई कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरा जो है फ्रंट बनाएंगे। देखिए एक सवाल आपका और था, उसका जवाब ये है कि देखिए एक दूसरा फ्रंट तो रहेगा ही रहेगा, कोलिजन तो रहेगा ही रहेगा, स्पेशली अगर आप सेंट्रल इलेक्शंस में देखेंगे उसके पीछे कारण है। यहाँ पे भी होगा तो दो ही जो है राइवल पार्टी रहेंगी, चाहे वो फ्रंट के रूप में रहे। बीजेपी में भी बहुत सारे अलायंसेस होते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इवन स्टेट लेवल पे भी होते हैं। 100% अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि केवल अपने दम पे वो जो है पूरा कर ले, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, कुछ फ्रेंडशिप होती है जिसके कारण उनको साथ लेना पड़ता है, चाहे वो कितने भी मेजोरिटी सीटों से वो आगे आ जाए या कितने भी कॉन्फिडेंट हो। देखिए उसके पीछे जो ममता बनर्जी ये सपना देख रही है या विपक्ष का अगर कोई भी आदमी देखे तो ये मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलूंगा। और स्पेशली अगर आज के डेट में देखा जाए जबकि इलेक्शन मुश्किल से 2 से 2.5 साल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा, मैंने असंभव वाले जो प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई ऐसी कोई लहर चल जाए, ऐसा कोई मुद्दा हो जाए जहां पे एक आदमी ऑल ऑफ सडन नेशनल लेवल हीरो बन जाए। देखिए नेशनल लेवल पे चाहे आप कोलिजन पे जाइए चाहे इंडिविजुअल जाइए, इसके लिए सबसे जिम्मेदार जो फैक्टर है वो भारत की पॉलिटिकल एंड सोशल जो है डाइवर्सिटी है। मैं एक टाइम के लिए केवल ममता बनर्जी का मैं लेता हूं कि मे बी पॉसिबल ममता बनर्जी बंगाल में क्लीन स्वीप कर जाए, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया तक ही उनके रिसोर्सेज हैं, उनके जो भी सिस्टम है, जो भी उनकी कमजोरी है या अच्छाई है वो बंगाल तक है। इवन मैं आपको बोलता हूं कि अगर वो बंगाल के बाहर निकलती हैं तो शायद वो कैंपेन भी ठीक से ना कर पाए, क्योंकि लगभग जो मेजॉरिटी सीट आती है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आती है, कम्युनिकेशन वहां बैरियर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के टाइम पे साउथ इंडिया के 2-3 ऐसे थे जहां पे कि उनको ऑफर किया गया ऐसे नेताओं को कि जो है आप कांग्रेस के हेड बनिए या आप जो है प्राइम मिनिस्टर बनिए, उन्होंने खुद बोल दिया था कि चूंकि हिंदी मुझे नहीं आती है तो मैं उतना सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को हेड करने से या प्राइम मिनिस्टर बनने से रिफ्यूज कर दिया था। पहला फैक्टर ये हो गया, जो सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है यहाँ पे वो बहुत जबरदस्त है, वो अकेले कोई एक पार्टी यहाँ पे नहीं कर सकती है। पैन इंडिया प्रेजेंस अगर किसी का है तो वो अभी भी कमजोर है या बहुत स्ट्रांग है, वो या तो कांग्रेस का रहा है या बीजेपी का रहा है। बीजेपी अभी बहुत स्ट्रांग हो गई, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके कार्यालय हो गए, कभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे छोटे गाँव में मैन पावर का होना, ऑफिसेज होना, ये कांग्रेस के पास था। कांग्रेस जब गांधी के इरा में आई थी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आज कॉन्सेप्ट है ये गांधी के इरा में ये उस वक्त बन गया था कि हर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई थी, फर्दर उन्होंने पेनेट्रेट किया था, एक्सपेंशन किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में और हर गांव में वो पहुंचे। तो ममता बनर्जी या किसी एक सिंगल पार्टी के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर ममता बनर्जी या कोई और नेता इस चीज को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमको ये करके दिखाना है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, 2 साल में वो क्या करेंगी। अकेले तो ये एकदम टोटली इम्पॉसिबल है कि पूरे पैन इंडिया के एक एक गांव में वो छा जाए, जब तक कि कोई दैव योग से ऐसी कोई बहुत मिरेकल वाली चीज ना हो जाए। हर जगह लोगों को कनेक्ट करना, हर जगह पहुंचना, संगठन को खड़ा करना, वो इम्पॉसिबल है। ऑप्शन एक बचता है, ममता बनर्जी जो ऐसा बोल रही है, ममता बनर्जी जानती है, देखिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तो सब में होती है,
कांग्रेस इस वक्त बहुत कमजोर है। कांग्रेस की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है घोषित या अघोषित तरीके से, वो राहुल गांधी है। नो डाउट ममता बनर्जी उनसे ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है, ज्यादा एलिजिबल हो सकती है। तो ममता बनर्जी तो इस चीज को फायदा उठा रही है, चूंकि अभी बंगाल इलेक्शन में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो विपक्ष को भी और एक माहौल भी ऐसा बना है कि भाई ममता बनर्जी एक कैरिज्मेटिक लीडर है, वो एक बहुत एलिजिबल है, बहुत कुछ कर सकती है। तो ममता बनर्जी इस चीज का, इस माहौल का जो इस वक्त बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस बहुत कमजोर है, उसके पास कोई प्राइम मिनिस्टर का एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, और दूसरी कोई रीजनल पार्टी इतनी स्ट्रांग परफॉर्म नहीं कर रही जितना ममता बनर्जी कर रही है, तो क्यों ना मौके पे चौका लगाया जाए। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात है। और एक चीज मैं और बोलता हूं, अगर इसी रास्ते पे दूसरी पार्टियां भी चली कि माइनस कांग्रेस करके वो चलती हैं, तो मुझे ये लगता है कि बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। यहाँ आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। साउथ में कामराज साहब पहले ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, और हाँ जी वो पहले शख्स थे जिनको ऑफर हुआ था, उन्होंने कहा मैंने नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी इन द सेंस कि आई कैन नॉट कम्युनिकेट। यू आर राइट इन दैट सेंस। इसी तरीके से जब यहाँ पर इन्होंने बयान दिया तो आप हैरान होंगे, आपको पता ही है कि शिवसेना ने राइट वे बयान दे दिया कि हमारे जो यहाँ पर स्मॉल यूपी है वो तो ऑलरेडी है महाराष्ट्र में, तो यूपीए विदाउट कांग्रेस नहीं बन सकती। एक खबर कल आई कि शिवसेना वाले कांग्रेस के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में और डिफरेंट स्टेटों में अपने आप को बढ़ाएं। दैट्स नंबर वन। दूसरा, ममता बनर्जी 66 इयर्स ओल्ड हैं और उनके पास वो उस किस्म का करिश्मा नहीं है कि वो लोगों में कम्युनिकेट कर सके ठीक ढंग से। जोश से बोलना और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन लाना, अपने विचारों को लोगों के दिलों तक पहुंचाना, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने अपनी ज़िंदगी में जवाहरलाल नेहरू से लेकर, हैं जी पर्सनली भी मैं नेहरू जी को कम से कम 3 बार मिला हुआ हूँ, शास्त्री जी या उसके बाद और जितने भी लीडर्स आए, इवन इंदिरा गांधी, हैं जी राजीव गांधी, मैं समझता हूँ कि नरसिम्हा राव वाज अनदर मैन विच विल बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री, क्योंकि उनकी वजह से हिंदुस्तान का जो ये सारी ओपनिंग हुई मार्केट में, वो आज जिसका फ़ायदा सारी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं और हिंदुस्तान का आम आदमी भी उठा रहा है। तो एक जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि क्या ममता बनर्जी विल बी एबल टू ब्रिंग टुगेदर, हाँ जी, लालू यादव की पार्टी बिहार में, अखिलेश यादव की पार्टी पंजाब में से और हरियाणा में से और साउथ के, साउथ वाले तो वैसे ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ जी जो डीएम के है वो वैसे ही कांग्रेस के साथ है। मुझे कांग्रेस या ममता बनर्जी को मतलब नहीं, मुझे ये मतलब है कि ममता बनर्जी के दिमाग की जो उपज है वो इतनी मुझे खाली सोच नज़र आई। मैंने महसूस किया कि अगर ये वाकई हिंदुस्तान का लीडर बनना चाहती हैं और इनकी सोच इतनी मतलब कमज़ोर हो सकती है कि जो 20% लोग जिनको फॉलो करते हैं आज भी हैं, उसको ये ज़ीरो कर रही है। और अगर हिंदुस्तान के लेवल पर देखें तो TMC इज़ नॉट इवन 4%। तो ये और कोई भी पार्टी नहीं, देखिए शरद यादव के साथ ही ये खड़ी होकर बात कर रही थी क्योंकि ये चाहती हैं कि शरद यादव को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो खबरें आ रही हैं अंदर से। लेकिन शरद यादव जो है वो इतने बीमार हैं और इतनी उनकी उम्र हो चुकी हुई है कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपनी NCP के पार्टी के इलेक्शन लड़े, किसी भी स्टेट में, उन्होंने गुजरात में भी लड़े, उन्होंने साउथ में भी लड़े, उन्होंने नॉर्थ में भी आगे लड़े, ही डिड नॉट सक्सीड एनी वेयर। सो ये एक मतलब मुद्दा है कि किसको वो साथ लेके चल सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए कि आई डोंट थिंक कि ममता बनर्जी, और आपका भी यही ख्याल है कि विल बी एबल टू सक्सीड टू ब्रिंग टुगेदर। देखिए अपोजिशन का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर, क्या शी कैन ब्रिंग everyone टुगेदर और नॉट। और जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ 4%, देखिए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर डिफरेंट बात है। वहाँ पर पहले तो इतने बड़े MPs नहीं हैं, इतने बड़े MLAs नहीं हैं। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही MP है, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर 2 MP हैं सिवाय बंगाल को छोड़ के। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है आपसे मुझे कि क्या आप ये समझते हैं कि ये
बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल बिहार जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, यूपी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, क्या वो लोग वहाँ के जो लीडर्स उठ रहे हैं, अखिलेश भी यंग है वो भी उठ रहा है, उधर अपने लालू प्रसाद यादव का लड़का वो भी यंग है वो भी उठ रहा है, तो क्या शी विल बी एबल टू ब्रिंग देम टुगेदर, या ये सिर्फ एक हिस्ट्री बन के ही जो है उनकी स्टेटमेंट रह जाएगी? डॉक्टर साहब देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो ये होगा कि वो केवल एक हिस्ट्री बन के रह जाएगी। ममता बनर्जी अगर इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहे और सक्सेस करना चाहे तो उसके लिए एक शर्त है कि इस क्वेश्चन को ना उठाया जाए कि हु विल बी द फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर वो इस जीत पे अड़ी हैं कि ममता बनर्जी ही फेस होंगी प्राइम मिनिस्टर की और इस शर्त पे सारी पार्टियां आए, तो इस शर्त पे अगर कोई भी पार्टी हो, इवन चाहे शरद पवार हो, चाहे जो भी हो, चाहे लालू यादव तो हालांकि इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं, कोई और पार्टी अगर इस चीज पे जीत करेगी तो कोलिजन नहीं बन पाएगा, वो पार्टी अलग हो जाएगी। मैं आपको एक बेटर ऑप्शन देता हूं कि अगर ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, उससे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी अगर देखा जाए और महिला का देखा जाए तो मेरे ख्याल से मायावती जी का होगा, चाहे किसी भी रीजन से उसके दो चार पैरामीटर हो सकते हैं। यूपीए में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि हु विल बी द फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कभी भी ये पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर ये डिक्लेयर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, और डिक्लेयर क्यों नहीं ये कर सकते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़े कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको एनालाइज किया जा सकता है कि ये डिक्लेयर क्यों नहीं करेंगे, यूनिटी हो नहीं पाएगी। इसलिए हर बार ये होता है कि भाई पहले इलेक्शन लड़ लो, इनकी शर्तें ये होती हैं कि पहले इलेक्शन लड़ लो, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसी बेसिस पे बार्गेन होता है, इस तरीके से करके इनका बनता है। और प्राइम मिनिस्टर का हट करना, एक देखिए अपोजिशन में जो ये लोग आएंगे वो एकदम बाल हट की तरह होता है, हर पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है वो सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और इस लेवल तक गिरते हैं इस चीज के लिए। इसीलिए मैंने बोला बाल हट, जैसे एक बच्चा होता है दो चार साल का, लोट पोट करने लगेगा, मिट्टी में लोटने लगेगा। आप देखिए कांग्रेस का अपना बाल हट है कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मेरा लड़का ही बनेगा, उसके बाद हर पार्टी का है, शरद पवार वाले बोलेंगे हमारे बनेंगे, भले ही वो ट्रेवल ना कर पाए फिजिकली या वो सक्षम नहीं है। बहुत से ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो जिनके सपने हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बने, भले ही वो कम्युनिकेट पूरे देश को नहीं कर पाए। इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनना, अगर वाकई में देखा जाए ट्रू लीडरशिप की डिफिनीशन के हिसाब से देखा जाए कि जो ज्यादातर या सभी दिलों पर राज करे, जो पूरे देश को समझ सके, उसके लिए लिंग्विस्टिक होना बहुत जरूरी है, कम से कम हिंदी। आपने बात नरसिम्हा राव की तो उस वक्त हम 12वीं में पढ़ते थे, हमारे सर ने बताया था कि ही इज ए लिंग्विस्टिक, उन्होंने बोला उनको 17 से ज्यादा भाषाएं आती है, और वो हिंदी के साथ साउथ इंडियन, इंग्लिश, फ्रेंच, क्या क्या भाषा है, और उनकी हिंदी भी इतनी अच्छी थी कि अगर कोई सुने तो उनको लगेगा ही नहीं कि ये नॉन हिंदी बेल्ट से आते हैं। तो जो सबसे बड़ी कमजोरी है, दूसरी चीज मैं बताऊं, ममता ने कुछ ब्लंडर्स किए हैं बंगाल इलेक्शन में। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूपी बिहार के लोग पान और गुटखा खा के गुंडे यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है चले जाएंगे यूपी बिहार में, आप कैंपेन कर लेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, महाराष्ट्र में शिवसेना बहुत स्ट्रांग थी, खैर सरकार में है लेकिन जमीनी स्तर पे पकड़ उनकी बहुत अच्छी थी, वही शिवसेना ने अपने पैर पसारने चाहे उत्तर प्रदेश में। हालांकि इनिशियल लेवल पे अच्छा डेवलपमेंट हुआ, अच्छा प्रसार हुआ गांव गांव तक और तहसील लेवल तक, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इनकी पकड़ बनी, बहुत सारे लोग जुड़े और एक दिख रहा था कि हाँ ये तेजी से कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए। अभी आप जाके देखिए यूपी में शिवसेना की जो भी मुहिम चली थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, कोई पड़ा होगा कार्यकर्ता वगैरह कहीं पड़ा होगा, अदरवाइज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब अपनी बाउंड, मैंने एक टर्म बोला है कि इंडिया की डाइवर्सिटी केवल कल्चरल मत देखिए, कल्चरल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है, उन सारे डाइवर्सिटी को अपने में समाहित करना ही एक ट्रू लीडर का काम होता है जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सौभाग्य से ये चीज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये चीजें मिली, जब वो मिली तो अपने आप को वो हर स्टेट से, हर जगह से वो कनेक्ट कर लेते हैं,
मोदी जी ने बाहर के भाषणों में कभी भी गुजराती शब्द का यूज नहीं किया या गुजराती टोन आती है। तो इंडिया की डाइवर्सिटी को देखिए, जो कि एक बेसिक पैरामीटर होता है, अगर उस पैरामीटर पे आप सूट करते हैं जितने भी तरीके की मैंने डाइवर्सिटी बताई, तो डेफिनेटली सारी पार्टियां आपके नीचे आएंगी। अगर उस लेवल पे हर राज्य में देखिए, कांग्रेस के बिना क्यों नहीं पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस भले ही सबसे पीछे हो जाए या कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। एक कहावत है, कांग्रेस का अब भी निर्जीव अवस्था में या नेक्स्ट टू मृत अवस्था जिसको बोलते हैं, कोमा वाली अवस्था में ही क्यों ना हो, इनके कुछ न कुछ संगठन, कुछ न कुछ कार्यकर्ता, बिल्डिंग्स वगैरह, अस्तित्व वगैरह इनका पड़ा हुआ है मिश्रा हर साहब, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो। मिश्रा साहब यहीं पर मैं आपसे, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, यहीं पर मैं आपको बीच में, सॉरी टू आई मीन डिसरप्टिव, ये बेसिकली आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस में से राहुल गांधी और गांधी फैमिली बाहर हो जाए, डू यू थिंक द पार्टी कैन सर्वाइव? बेटरमेंट डेफिनेटली होगा, और इस स्टेटमेंट को मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि भाई किसी को भी माइनस क्यों करें, बाहर क्यों करें, बेटर ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उस चीज को समझ के अपने अंदर चेंज करिए ना, आप वो चीज चेंज करिए। और नहीं, वो कांग्रेस तो हो की नहीं एक आदत सकती। और है, गांधी गांधी परिवार में, गांधी परिवार में या तो टोटल बाहर हैं जी, उनका कोई भी शख्स रहेगा, सारे जो कांग्रेसी पुराने चमचे हैं वो उन्हीं के जाके पांवों में बैठेंगे, वो तो हो नहीं सकता। देयर इज नो हाँ, पॉसिबिलिटी। अगर हम इस शर्त को मान लें कि ये इम्पॉसिबल है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि अगर गांधी फैमिली को अभी बाहर कर दिया जाए, तो मे भी पॉसिबल कि कांग्रेस में भी बहुत सारे इलिजिबल लीडर हैं जो कि कांग्रेस को बेहतरी की तरफ बहुत तेजी से ले जा सकते हैं। उसके पीछे कारण है, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, देखिए अब्राहम लिंकन कितने भी बड़े नेता क्यों हो, वो आके पूरी इंडिया 4 धाम कर ले ट्रेन से और अंग्रेजी में बोलते रहे, वो कोई चुनाव नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि कल्चरल कनेक्ट बनाना, अपने आप को पब्लिक से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कांग्रेस में ऐसे बहुत इलिजिबल जो है नेता अभी भी पड़े हुए हैं, जिनको कि पब्लिक या जिनके छत्र छाया में कांग्रेस को पब्लिक बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर सकती है, बशर्ते वो अपनी करंट आइडियोलॉजी, फिलोसफी, इन सब चीजों को इम्प्रूव करे। रिवाइवल करना जितना आसान कांग्रेस के लिए है, उतना किसी और पार्टी के लिए नहीं हो सकता है, बशर्ते वो चेंजेस लाएं, बदले हुए सिचुएशन के हिसाब से अपनी टैक्टिक्स और अपनी स्ट्रेटजी को बदलें। एक और बात बताइए मिश्रा जी, कि क्या ये जो कांग्रेस पार्टी का इस वक्त अस्तित्व है वो सिर्फ रीजनली रह गया है या स्टिल इट इज़ एट द नेशनल लेवल, क्योंकि आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत उसका जो अस्तित्व है वो क्या आज मतलब 29 स्टेट्स में से 22 स्टेट्स का कोई भी अपोजिशन वाला उनको साथ मिलाने को तैयार नहीं है? तो ये क्या कांग्रेस के जो वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, या तो वो चमचे जो हैं वो नहीं चाहते कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिल में ये बात बैठे कि भाई हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है? मैंने आज तक दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा जिसके पास कोई पावर ना हो और सारी पावर उसी के पास हो। ही इज़ दी ओनली वन इन द होल वर्ल्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स हैं जी, हु इज़ रूलिंग विद नो पावर वट्स एवर। देखिए, ऐसे भारत में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, इसको इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, आपका सवाल यह है कि कांग्रेस क्या दूसरे प्रदेशों में है कि नहीं, या बहुत सारे प्रदेशों में है कि नहीं। देखिए, इसके दो आंसर हो सकते हैं। प्रेजेंस होना दो तरीके से है, अगर इलेक्शन कमीशन के हिसाब और इलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली ये बोला जाएगा कि कांग्रेस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, 2-3 स्टेट्स में है और परफॉर्मेंस घटती जा रही है। अच्छा, जो 2-3 स्टेट में कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, वो ड्यू टू गांधी फैमिली या सेंटर के कांग्रेस के कॉन्ट्रीब्यूशन से नहीं है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे, उन्होंने राहुल गांधी या सेंटर की टीम को कैंपेन करने के लिए पंजाब में घुसने से मना कर दिया। यही हाल आपका राजस्थान में रहा, और जहां जहां पे छत्तीसगढ़ वगैरह भी, जहां पे इनकी सरकारें हैं, सेंट्रल को एकदम मना कर दिया गया कि आप मत आइए, हम लोकल मुद्दे हैं, लोकल लीडरशिप है यहाँ पे, हम इसको कैंपेन को मैनेज करेंगे। और सक्सेसफुली उन्होंने मैनेज किया और सरकार बनाई। सवाल ये है, देखिए, इलेक्शन जीतना या हारना, अगर हम इस चीज को हटा दें कि इलेक्शन कमीशन का क्या रिजल्ट आया, तो आप ही ने बोला कि 20-22% पब्लिक अभी भी उनके साथ है। इसका मतलब है कांग्रेस और उससे जुड़ने वाले, उसको लाइक करने वाले, ड्यू टू एनी रीजन अभी भी हैं। कांग्रेस
कांग्रेस की जो शाखाएं होती हैं, जो इनके ब्रांचेस होते हैं, जो इनका पेनिट्रेशन या ग्राउंड लेवल का जो इनका एक्सटेंडेड हैंड्स जो होते हैं वो अभी भी अवेलेबल है। भले ही वो मृत प्राय है, वहां पे कोई जाता नहीं। आप जाएंगे, हम अपने छोटे से गांव की बात करते हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्ट पे अगर कोई जाएगा तो वहां ऑफिस में कोई मिलता नहीं है, शायद ऑफिस भी किराए का नहीं है, या है तो कोई जल्दी मिलेगा नहीं। इन सबको रिवाइव करने की जरूरत है। रिवाइव कोई भी पार्टी कर सकती है, अगर बीजेपी रिवाइव कर सकती है, कहां इनकी 2 सीटें आती थी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइव किया। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से, वो हालांकि उस रिवाइवल तो उसके पहले से ही शुरू हुआ, ग्रेजुअल परफॉर्मेंस बढ़ती रही, फिर सरकार बनाया, फिर क्लियर कट मेजोरिटी में आए, फिर और सारे स्टेटों में जो है एक तरीके से पूरे छा गए। तो ये किसी पार्टी के लिए है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, भारत में केवल 2 ही पार्टियां ऐसी थी या है जिनका विजन नेशनल लेवल पे था। एक तो कांग्रेस का था, शुरू से ही था, अक्रॉस द नेशन को लेकर के उनका कॉन्सेप्ट था, और दूसरा बीजेपी का था, अक्रॉस द नेशन, की हर चीज को, हर प्रदेश को, हर समस्या को ये कवर करते थे फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे ऑफ फाउंडेशन। बाकी जितनी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की जब उनकी पार्टी की फाउंडेशन हुई थी तो केवल बंगाल का कंसिडरेशन था। अभी 2 दिन पहले तक ये स्टेटमेंट जो आपने बोला उसको देने के पहले तक उनका कंसिडरेशन केवल बंगाल तक था। बंगाल के बाहर एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि किसी और अदर स्टेट के बारे में या नेशनल किसी इशू के बारे में उन्होंने बोला हो। सेम इज द प्रॉब्लम विद, आप ये देखिए साउथ के जो पार्टियां हैं, शिवसेना है या है, वो अपने तक लिमिटेड है। इसका मतलब है उनका माइंडसेट फ्रॉम डे वन से लेके, उनका टारगेट फ्रॉम डे वन से ये था कि हम क्षेत्रीय क्षत्रप बन के, लोकल लीडर बन के ही हम रहेंगे। उन्होंने कभी एक्सपेंड करने के लिए नहीं सोचा। देखिए, एक आमूल चूल अगर परिवर्तन लाई होती तो हो सकता है शिवसेना भी नेशनल पार्टी हो सकती थी। एक टाइम था जब बीजेपी और शिवसेना की हैसियत लगभग लगभग बराबर बराबर थी। आप क्षेत्रीय लेवल का बोलिए, चाहे 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले, शिवसेना नेशनल लेवल पे एक्सपेंड नहीं कर पाई, क्योंकि उनका सोच, उनका दायरा वहीं तक था, वो आगे की नहीं सोच पाए। लेकिन बीजेपी की सोच ऐसी थी, वो पैन इंडिया पे जो है एक्सपेंड कर गई। और बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह, कांग्रेस में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस भी इनकी एक ब्रांच है। हर देश में कांग्रेस की शाखाएं हैं, ज्यादातर मेजर देशों में कांग्रेस की शाखाएं हैं। ठीक इसी तरीके से बीजेपी ने भी किया, अपने आनुषांगिक शाखाएं या किसी भी तरीके से दूसरे देशों में भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहां पे लोगों को। तो सबसे बड़ा तो ये है कि जिस पार्टी की आइडियोलॉजी एक क्षेत्र विशेष के दायरे से कभी बाहर नहीं निकल पाई, वो 1 साल 2 साल में पैन इंडिया को कवर कैसे करेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ममता बनर्जी इस चीज का जवाब दे दे तो मैं ये मान लूंगा कि उनको किसी पार्टी को साथ लेने की जरूरत नहीं है, वो अकेले भी बन सकती है, मायावती भी बन सकती है, उद्धव ठाकरे भी बन सकती है। जो पार्टी 2 साल में पैन इंडिया को कवर कर ले वो बन जाएगी, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले वो लोग। चलिए, ये तो एक ब्रेन की फिक्शन है कि 2 साल में ये लोग जो हैं वो सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है पॉलिटिक्स में कभी इम्पॉसिबल वर्ल्ड नहीं होता जी, हमेशा ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई आदमी निकल आता है। एक और सवाल है आपसे कि क्या आप ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी में एक पार्टी लगातार राज कर सकती है, क्योंकि हमारे जो श्रोता है ना उनका ये 90% का ये मानना है कि अब मोदी जी को और बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता आने वाले 50 साल ना, ये मैंने कमेंट्स हमारे मैं पढ़ता हूँ। क्या मैंने आगे भी ये एक बार आपके साथ या किसी और के साथ प्रोग्राम किया था कि डेमोक्रेसी जो है उसमें चेंज इज़ द मेन वर्ड, क्योंकि अपोजिशन पार्टियाँ या आपस में इकट्ठी हों चाहे ना हों, अल्टरनेटिव मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक पार्टी लगातार राज नहीं कर सकती, अल्टीमेटली पीपल विल ऑलवेज चेंज। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? देखिए, इसका उदाहरण है, लगभग 70-80 साल हो गए आजादी के बाद से, आप देखिए तो उसमें मेजर 80% 90% अगर बीजेपी को हटा दे 2014 के पहले तक, तो राज तो ज्यादातर कांग्रेस ने किया है, सेंटर की अगर मैं बात करूं, और सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी। एक कॉन्टिन्यूअस डिकेड्स चला था कांग्रेस में लीडरशिप, चाहे जिसकी रही हो, चाहे नेहरू रहे हो, चाहे आप ये देखिए जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उसमें से कांग्रेस के कितने हुए हैं गिन लीजिए, नेहरू जी हुए, शास्त्री जी हुए, इंदिरा गांधी हुई, आप देखिए।
तो आप इसको ऐसे मत देखिए कि 10 साल 20 साल या 5 साल तक, एक लंबे समय तक, ओवर द डिकेड्स, 20 साल 30 साल, डेफिनेटली ये तो भारत में इतिहास रहा है, कांग्रेस ने राज किया है। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, कोई पार्टी तब तक जीवंत रहती है, तब तक सत्ता में बनी रहती है जब तक कि वो अपने आप को पब्लिक के साथ कनेक्ट करके रखती है। रही बात जो आपने ये बोला कि मोदी जी तो नहीं, लेकिन आप ये बोलिए कि हाँ बीजेपी अगले 25-30 सालों तक, उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर विपक्ष के सारी पार्टियों की हालत यही रही, और मुझे बोलना नहीं चाहिए, लोग विपक्ष के लोग नाराज होंगे, होने दो, इस तरीके, ये नहीं सच इस है आप जो कह रहे हैं, ये सच है कि अगर वो नहीं इकट्ठे नहीं होंगे तो देर इज नो मैं गो। एग्जाम्पल देता हूं। एक बार मैंने टीवी में देखा था कि राहुल गांधी जी जो है इंटरेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट से, किसी स्टूडेंट ने पूछा कि एनसीसी के बारे में पूछा, राहुल गांधी ने बोला एनसीसी, व्हाट इज एनसीसी, आई डोंट नो। मैं बोलता हूं इस देश में रहने वाला एक आदमी अगर ये बोले मुझे एनसीसी नहीं पता, तो कैसे आप उसको, शायद वो ये बोल दे कि प्राइम मिनिस्टर की होती है मुझे नहीं पता। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल इसको क्लेरिफाई करके देता हूँ। देखिए भारत की जो डाइवर्सिटी है, अगर आपको पॉपुलिस्ट लीडर बनना है, हर दिल पे राज करना है, तो आपको पता होना चाहिए नलकूप क्या होता है, नलके क्या होते हैं, छोले भटूरे क्या होती हैं, गली चौबारे ये सब क्या होते हैं, इन लोगों को ये पता ही नहीं है। विपक्ष की पार्टी के जो अभी करंट जनरेशन जो लीडरशिप है, मैं आपको बताऊं राहुल गांधी और ये सब, ये दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के बेहतरीन सीईओ तो हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव और इन सब की अगर मैं बात करूं, नहीं, सीईओ भी नहीं हो लेकिन सकते, ये सीईओ भी उस कंपनी को खत्म कर देंगे, क्योंकि जब जो अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं तो वो सीईओ वो कंपनी क्या नहीं, मैं चलाएगी। शब्द बता रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी तो प्राइवेट कंपनी में बहुत फर्क है, चलिए हम इस पर बाद में करेंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के या इलेक्शन कमीशन के थ्रू जीतने वाले लीडर नहीं हो सकते हैं, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि एक काले रंग का जो है इसका जो है बछड़ा और एक सफेद रंग का बछड़ा, दोनों साथ खड़े थे। अब एक नेता थे सेकेंड जनरेशन के, फॉरेन के पढ़े हुए, तो वो काले रंग के गाय के बछड़े को बोलते हैं ये भैंस का बच्चा है, पाड़ा पड़वा हम लोग बोलते हैं, और सफेद वाले का जो है वो बोलते हैं ये गाय का बछड़ा है। तो उनसे पूछा गया, भाई हमको यही बताया गया था, हम जब भैंस का बच्चा दिखाया तो वो काले रंग का था, तो काला वाला भैंस का बच्चा है। इस तरह की बेवकूफी वाली बातें या कॉन्सेप्ट, जिनका कॉन्सेप्ट अपने देश के बारे में, अपने इवन देश तो छोड़ दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने शहर के बारे में नहीं पता है, वो कहाँ से कनेक्ट। अब्राहम लिंकन क्यों रेलवे से ट्रेवल किए थे, वो ट्रेन का एंजॉय करने के लिए थोड़ी किए, पब्लिक से कनेक्ट, वहां के कल्चर से कनेक्ट होना। ये लोग नहीं, सेकेंड जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी पूरी अपब्रिंगिंग इंग्लिश मीडियम से हुई है, बाहर पढ़े हैं, देश के इतिहास को, देश की चीजों को, देश के कल्चर को ये जानते ही नहीं है। ऐसे ऐसे आंसर ये दे देते हैं छोटी छोटी चीजों पे, देश के कल्चर से रिलेटेड जब होते हैं, कि अब उसको क्या बताया। तो पब्लिक, अब देखिए पब्लिक का एक परसेप्शन होता है, पब्लिक एक परसेप्ट करती है कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, पब्लिक के दिमाग में एक इमेज होती है। और भारतीय पब्लिक जो है ना, अपने हीरो या अपने लीडर को एक बहुत अच्छे हीरो की तरह परसेप्ट करती है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि हजारों साल की एक मान्यता, एक खाका, एक फिगर उसके दिमाग में बना हुआ है कि हमारे शासक कैसे होने चाहिए। तो वो चीजें तो डेवलप होती नहीं है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता है, इनफैक्ट उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी नहीं है, ना घर में हुई है, ना दादा दादी, ना नाना नानी, ना स्कूल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सड़कों पे ये कभी जाते नहीं है, चाहे सुरक्षा का कारण हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड का कारण हो, तो गली चौराहे और ये मार्केट फार्केट जो बाजार हाट ये सब पता तो होता नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कभी भी पब्लिक के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, और जो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है सेंटीमेंटली, वो लीडर नहीं बन सकता है। एक्सीडेंटल लीडर यहाँ पे बन जाते हैं, इंद्र कुमार गुजराल इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, देवगौड़ा साहब इसके एग्जाम्पल है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, मजबूरी और वक्त की मेहरबानी ऐसी हुई कि वो बन गए, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन इलेक्टोरल वे में जाकर के जहां पे देखा जाए तो वहां पे नहीं बन पाएंगे ये। मिश्रा जी, आपको मैं एक टीवी प्रोग्राम में सुन रहा था, क्योंकि मैं अब जहाँ जहाँ आप जाते हैं मैं आपका फॉलोअर हूँ अब, हाँ जी, तो मैं आपको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ना, आप यूपी इलेक्शन डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी, तो वो यूपी इलेक्शन के बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्या वहाँ की जो सिचुएशन है जी, वो किस किस्म की है,
आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर प्रेडिक्शन, आई एम जस्ट नहीं आस्किंग. नहीं नहीं आई विल टेल यू द प्रिडिक्शन. देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द हेजिटेशन. अभी देखिए क्या है यहाँ पे स्पेशली इलेक्शन में यूपी के. ये एक मिनी इंडिया का इलेक्शन होगा पहली चीज. दूसरी चीज ये है सिचुएशंस बहुत तेजी से बदलती है. एक दिन एक हफ्ते पहले भी पूरी बाजी पलट जाती है. लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखें तो इसमें सबसे पहले रूलिंग पार्टी के लिए क्या है, इनके लिए चैलेंजेस चेंज हुए हैं और वो बहुत नेचुरल होता है. 5 साल जब कोई राज कर लेता है तो बहुत सारी उनकी कमियां भी सामने आती हैं, सक्सेस और फेल्योर भी आते हैं. हो सकता है सक्सेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहे हो लेकिन फेल्योर कुछ ना कुछ तो होता है. 100% जो है निरपराध या दोष मुक्त या कमियों से मुक्त कोई भी आदमी नहीं हो सकता है, कोई भी राजा कोई भी पार्टी नहीं हो सकती है. नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है भाई. 2000 इसके पहले जब ये जीते थे 2017 में, तब भी तो वोट बीजेपी के विरोध में पड़े थे ना. ऐसा तो नहीं कि 100% वो वोट भी है, कुछ इनके जो अपने वोट बैंक है वो चीजें हो सकता है खसक जाए जो है. तो सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो इसमें पहला पॉइंट है वो मैं ये बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि भाई विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. मैं बोलता हूं नहीं, चुनौती विपक्ष के लिए नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है. और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए क्या है कि बीजेपी अपने पिछले जो है टारगेट को या रिजल्ट को मेंटेन कर पाती है कि नहीं या कैसे करती है, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पीछे का बेंचमार्क या तो उतना अचीव करें, मेंटेन करें या उससे एक्सीड करें. अब विपक्ष की हम बात करते हैं. विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि 5 साल में आई है. इसके पहले के चुनाव को उन्होंने बहुत हल्के में लिया था लेकिन अब की बार मुझे विपक्ष थोड़ा सीरियस दिख रहा है और समीकरण भी कुछ अलग तरीके से बन रहे हैं. यहाँ पे देखिए विपक्ष अगर सीरियस रहेगा तो विपक्ष अच्छा परफॉर्म करेगा. मुझे ये लगता है कि हो सकता है कुछ बेटर परफॉर्मेंस विपक्ष में कोई भी पार्टी बेटर परफॉर्मेंस कर जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो. हालांकि बसपा अभी उतनी एक्टिव नहीं हुई है. अभी मैंने मायावती जी को देखा कि वो थोड़ा सा कुछ बोल रही थी. अभी थोड़ा टाइम है. मुझे ये लगता है कि विपक्ष अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है. लेकिन मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार हूं आज की डेट में कि जो बीजेपी का किला है उसको भेदना बहुत मुश्किल काम होगा. उसके पीछे कारण है. कारण यह है कि जब आप सरकार में होते हैं तो आप मल्टीफोल्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं. जब आप सरकार के बाहर होते हैं तो आप बड़े कमजोर होते हैं. उसके पीछे कारण है. आप सरकार में हैं, सरकारी मशीन का बेनिफिट आपको मिलता है. आप अपने प्रचार में अपने कामों को दिखा सकते हैं. भाई 5 साल काम किसने किया है? जो सरकार में है वही काम करता है. विपक्ष अखिलेश यादव मायावती तो 5 साल से गायब रही है, सरकार में थे ही नहीं. आप सरकार में हैं तो आपको एक ईंट रखने तक का अधिकार नहीं है. समाजवादी पार्टी या मायावती जी से पूछ दिया जाए कि 5 साल में आपने क्या काम किया यूपी में बताइए, तो सरकार में नहीं है तो एक नाली तक बनाने का अधिकार नहीं है. तो ये एडेड एडवांटेज है जो कि पार्टी यूएसपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है. बीजेपी इसमें बड़ा माहिर है. अभी देखिए जब कैंपेन चलेगा ना तो बीजेपी बहुत इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करेगी, हमने ये किया, हमने वो किया, ये किया. बीजेपी विकास के मुद्दे पे और कुछ सेंसिटिव मुद्दों पे, साइकोलॉजिकल मुद्दों पे जो है इस गेम को जो है प्ले करेगी, इलेक्शन को जीतना चाहेगी. विपक्ष के पास क्या तोड़ है? अभी तक जो मैं विपक्ष की देख रहा हूं कैंपेनिंग, वो केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं. विपक्ष के पास एक ही काम रहता है कि जो सरकार है उसको क्रिटिसाइज करिए. वो भी ठीक तरीके से वो नहीं कर रहे हैं. क्रिटिसाइज करने के बहाने जो है वो दुश्मन अपने ज्यादा बना लेते हैं. अब अगर विपक्ष ने अच्छा परफॉर्म किया, अभी इतना तो डॉक्टर साहब मान लीजिए कि अब इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ना, माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो एक्यूरेसी की बात अब यहाँ पे शुरू हो गई है, कॉन्सेप्ट हो गया है. अब वो जमाने लग गए जब लालू प्रसाद यादव अपनी लाठी और भैंस लेके निकलते थे तो लोग उसी पे वोट दे देते थे. और अब वो जमाने भी लग गए कि जब मुलायम सिंह यादव साइकिल चलाते हुए निकलते थे तो पब्लिक को लगता था यार साइकिल तो मेरे पास भी है, ये मेरे बराबर का आदमी है, ये हमारा नेता है. वो जमाने लग गए. अब यहाँ पे पब्लिक और वोटर भी पूरी जनरेशन चेंज हो गई है. वो इकोनॉमिक मुद्दों को समझती है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स समझती है, ग्लोबल इश्यूज को समझती है. तो इन माइक्रो लेवल की चीजों को जो मैनेज कर लेगा उसको बेनिफिट मिलेगा. लेकिन मुझे लगता है कि लार्जेस्ट पार्टी या मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं. इतनी बड़ी या इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप नहीं हो पाई है कि बीजेपी जो है बैकफुट पे चली जाए. कुछ कोशिशें की थी, जैसे मैं आपको बताऊं
आजमगढ़ के जो एक नेता है सुभाषपा के, हाँ, सुहेल देव भारतीय पार्टी के, उन्होंने बड़ी कोशिशें की इकट्ठा करने की, इकट्ठे हुए नहीं। इकट्ठे हुए तो एक हफ्ते के लिए इकट्ठे हुए, फिर टूट गए। उन्होंने तो 5 मुख्यमंत्री का उन्होंने ऑप्शन दिया था। उनकी रणनीति बहुत स्ट्रांग थी, मतलब बड़ा इनोवेटिव थी। हर साल एक मुख्यमंत्री बनाएंगे और हर साल 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो 10 उप मुख्यमंत्री देंगे और सारी पार्टियों को खुश करेंगे। तो जो बेसलेस मेकिंग ए कैस्टल इन एयर, हवाई किले बनाना, अभी आरएलडी और समाजवादी पार्टी की कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन एक मंच पे दिखे ये लोग, हो सकता है एक हो जाए। अच्छा, बहन जी यानी मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं तो ये भी बोलता हूँ, वो भले ही एक्टिव कैंपेन ना करे, लेकिन उनका वोट बैंक बहुत फिक्स है। उसको जो है शिफ्ट करना, उनके वोट बैंक को शिफ्ट करना, ये भी दिक्कत की चीज है। कुछ नेचुरल डिजास्टर से ये लोग कर देते हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं। ये एक ही डफली इनका है और एक ही राग है, ये बहुत इनोवेटिव नहीं है। अभी भी मैं देख रहा हूं, जो मुद्दे आज के 20 साल पहले थे, वही मुद्दे विपक्ष की जो रीजनल पार्टियां हैं, वही भी आज वही मुद्दे हैं, जबकि सिचुएशन चेंज हो गई है। इन विपक्ष की गलतियों को देखते हुए, देखिए मैं एक चीज और बताऊं, बीजेपी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, तो ठीक है, उनकी अपनी योग्यता है, नो डाउट, लेकिन विपक्ष की कमजोरियों के कारण बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता है, या वो फायदा उठा लेते हैं बड़े आसानी से। तो इस फैक्टर को देखना बहुत जरूरी है। मैं अब बात करते हैं कि दुनिया में एक ओलंपिक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा एक रेस्पेक्टफुल वर्ड माना जाता है, और हर कंट्री ये चाहता है कि मैं कराऊं ओलंपिक्स की खेल। ये आज से 20 साल पहले तो पॉसिबल था, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। आज एक गेम कराने के लिए, चाहे वो आप विंटर स्पोर्ट्स कराइए चाहे आप वो समर स्पोर्ट्स कराइए, आपको मिनिमम 40 से 80 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ता है, जो कि आम कंट्रीज़ के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जो सिर्फ 30 कंट्रीज़ हैं, बड़े 30 कंट्रीज जो हैं, वो दुनिया की 90% दौलत को संभाल के बैठे हुए हैं। 193 कंट्रीज में से ओनली 30 कंट्रीज़ मोर देन 90% वेल्थ को संभाल के बैठे हुए हैं। एक दिन मैं आपको इसकी फिगर्स दूंगा कि जीडीपी जो है वो कितनी कितनी कहाँ पर है, और कैसे ये दुनिया में जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में छिड़ी हुई है कि हम स्टूडेंट अपने खिलाड़ियों को तो भेजेंगे, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेट है उसको हम नहीं भेजेंगे। यानी कि एक किस्म का उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा बायकॉट है डिप्लोमेटिकली, तो चलिए कर दीजिए आप बायकॉट। चाइना की स्टेटमेंट आ गई कि नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ओलंपिक्स आर नॉट मेंट फॉर द पॉलिटिशियंस और फॉर द डिप्लोमेट्स, इट इज़ मेंट फॉर द प्लेयर्स। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1980 में मास्को में जो गेम्स हुई थी, वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने जो था वो बायकॉट किया था, और उससे जो प्लेयर्स जो 4 4 साल 8 8 साल मेहनत कर रहे थे उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आप ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो आपकी लाइफ बन जाती है। फिर 1984 में लॉस एंजलस में जो ओलंपिक्स हुआ, उसको रशियन कंट्रीज़ ने मिलकर, जो उस वक्त रशिया बड़ा इन्फ्लुएंस था, ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, कम से कम 40 50 कंट्रियों ने मिलकर उसका बायकॉट कर दिया। तो वो जो 2 8 साल थे उसमें प्लेयर्स ने बहुत सफ़र किया। आई एम ग्लैड कि इस बार गवर्नमेंटों ने डिप्लोमेटिक बायकॉट करने की कोशिश की है, हालांकि एक आवाज़ उठ रही थी कि नहीं, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, आपको प्लेयर्स भी नहीं भेजने चाहिए। तो वो एक डिप्लोमेट जो बायकॉट है, इसके बारे में एक मिश्रा साहब से पूछते हैं कि हिंदुस्तान में इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ओलंपिक्स की गेम है जो इतनी महंगी हो गई है, जो आम कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, हाँ जी, ये बायकॉट जो है ये कितना काउंट करता है? मतलब टू मी इट डजेंट मैटर, आप बायकॉट कर रहे हो, लेकिन आप बताइए इसके बारे में। डॉक्टर साहब, थोड़ा आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। आपने अभी एक चीज बोला था कि जो वेल्थ है लगभग 30 कंट्री के पास है, आपने बोला फिगर मैं कभी बताऊंगा।
तो चलते चलते अगर आप इजाजत दे तो हम अपने दर्शकों को बाद में क्यों इंतजार करें, मैं 30 सेकंड में बता देता हूँ फिगर क्या है। पूरे ग्लोबल जीडीपी अगर देखेंगे तो लगभग 90 या 95 ट्रिलियन का आप मान के चलिए, उसमें से 19 या रफ फिगर में आप 20 ट्रिलियन यूएसए का मान लीजिए, 11 ट्रिलियन आप चाइना का मान लीजिए, नहीं पांच नहीं ट्रिलियन आप यूके का लेटेस्ट मान फिगर लीजिए। अमेरिका मिश्रा जी, मैं आपको वहाँ जो लेटेस्ट फिगर है जो कल की मैं आपको फिगर देने लगा हूँ यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से, 24.1 ट्रिलियन यूएसए है इस वक्त, 14.1 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त चाइना है। मैं आपकी माफ़ी चाइना चाहता हूँ, लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि 92-93 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें जो 30 कंट्रीज हैं वो 90% कंट्रोल करते हैं, बाकी कितनी क्या रह गया। अब प्लीज कंटिन्यू। कुछ देखिए, हाँ वो इस पे भी हम कभी करेंगे डिबेट, लेकिन फिगर ऐसे ही है जो मेन हाँ है। आप जर्मनी फ्रांस वगैरह इन सबको मिला लीजिए तो वो इनके लगभग बराबर होंगे, ऐसा गैप नहीं होगा कोई 5 है तो कोई 30 है, इतना बड़ा गैप नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा ही गैप है। हाईएस्ट जो है यूएसए का जो आपने 24 बताया। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे थे कि ये जो डिप्लोमेटिक बाइकॉट हुआ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है भारत का, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है डेफिनेटली इस चीज को लेकर के, और अभी चाइना के साथ अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो चाइना के साथ हमारे बहुत सारे टर्मोइल हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे खेल के भावना से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इस चीज को तो हम लोग यहाँ पे बुरा मानते हैं कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप ये देखिए ओलंपिक्स में पॉलिटिक्स भी, कोई देश क्यों ओलंपिक करवाना चाहता है, इनकम हो या ना हो, हालांकि उसको मैनेज करने में खर्चे बहुत होते हैं तो इनकम भी बहुत होती है नो डाउट। और ओलंपिक का जो इंटरनेशनल ओलंपिक ये है आईओसी है, ये अपने आप में एक स्वच्छंद तरीके से एक फेडरेशन है जो लोगों ने मिलकर बनाया है, ना कि कोई सरकार या उस तरह की ये संस्था नहीं है। तो सवाल ये है कि इंडिया में लोग इसको बुरा मानते हैं, लेकिन एक चीज और है, अगर मैं व्यक्तिगत बोलूं, मैं पूरे कंट्री का नहीं करूंगा लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसके लिए जो है बाहर की कंट्रीज वगैरह जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए खुद चाइना है। और उसमें भी मैं आपको बताता हूं है क्या, बाहर की कंट्री ने बेस ये बनाया है, यूएस ने इसका इनिशिएटिव लिया और आप जहां रहते हैं कनाडा भी उनके साथ आया, यूके भी उनके साथ आया, फ्रांस एक ऐसा देश है जो उनके साथ नहीं है क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक उसको जो है ऑर्गेनाइज करवाना है शायद इस कारण से, और जापान भी अभी कंसीडर कर रहा है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक बाइकॉट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकार के तरफ से नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है। और यूएसए यूके वगैरह ने बेस क्या बनाया है, ह्यूमन राइट्स वगैरह को, कि उइगर मुसलमानों पे आप अत्याचार कर रहे हैं, हांगकांग पे जो यूथ वगैरह के प्रदर्शन हुए थे फ्रीडम के लिए या डेमोक्रेसी के लिए, आपने उसको कुचला। चाइना ने इसका बोला कि भाई आपको ये इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, वो कैसे चाइना मैनेज करेगा उसने कुछ डिटेल नहीं बताया है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या हो रहा है, मुद्दा ये हो रहा है कि भारत या हमारा देश तो ये चाहता है कि भाई जो एक परंपरा चल रही है चलती रहे, लेकिन ये चीजें यूएस और यूके वगैरह कर क्यों रहे हैं, देखिए ये भी पॉलिटिक्स और अपना दबदबा कायम करने का हो, दुनिया में कोई भी चीज कॉमनवेल्थ का गेम होता है, आप ये बताइए महारानी का, तो जब ओलंपिक हो रही है तो उससे बड़ा तो वो नहीं है, लेकिन क्या है एक सांकेतिक ही सही, लेकिन वो इस चीज का द्योतक होता है, सिंबल होता है कि हम अभी भी महारानी है। जो कॉमनवेल्थ नेशन बनाया वो इसीलिए बनाया कि इनको आजाद कर देने के बाद हम महाराज बने रहे, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स और सुप्रेमेसी को मेंटेन करने के लिए, अपनी सुप्रेमेसी को मेंटेन करने के लिए एक तरीका है प्रेशर में लाने के लिए। अब इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, प्रूफ मैं ऐसे कर सकता हूँ कि बहुत पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था या कहीं सुना था, अमेरिका के राष्ट्रपति या कौन थे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला कि हम इसलिए फाइट नहीं कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करें, हम इसलिए फाइट कर रहे हैं ताकि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन सबसे बड़ा और माइक्रो लेवल का पैरामीटर होता है किसी कंट्री के जो है डेवलपमेंट का, उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा था। मैंने ये देखा था कि जितना अमेरिका का था भारत के एक पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन या अवेलेबिलिटी के कंपेरिजन में 30 गुना अमेरिका का था, फैक्टर्स उसमें बहुत सारे हैं। अब देखिए है क्या, आपने डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर दिया, एक ब्रांड इमेज उस कंट्री की इमेज तो जुड़ी रहती है, उससे वो प्रेशर में आएगा, आप फेल्योर होंगे। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने ही अपनी फैक्ट्रियां यहां से हटा के, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री के लोग अब लेबर गिरी नहीं करते हैं, वो उसको सब स्टैंडर्ड काम समझते हैं,
जो छोटा काम होता है लेबर और इन सब चीजों का, उन्होंने चाइना शिफ्ट किया। वो इसीलिए शिफ्ट किया कि उनकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहे। फिर धीरे धीरे चाइना की भी अपनी हिस्ट्री है, वार और क्लैशेस बहुत हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। वो बन गया भस्मासुर। भस्मासुर बनने का मतलब कि वेस्टर्न कंट्री, यूके, यूनाइटेड स्टेट को अगर कोई चैलेंज करेगा, गल्फ वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो बहुत छोटे छोटे देश है, कोई करेगा तो इंडिया और चाइना ही करेंगे क्योंकि ये पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज और स्किल, अगर फ्यूचर जो है वो हो सकता है तो कोई अपनी बादशाहत क्यों खोना चाहेगा। उसमें ये एक टैक्टिस है, आप इसको स्पोर्ट टैक्टिस बोल सकते हैं कि चाइना प्रेशर में आए, ये फेल्योर हो, उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है बर्बाद होगी। इंटरनेशनल रेपुटेशन जब बर्बाद होती है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ट्रेड भी बहुत असर करता है, खेल के बहाने ट्रेड और नेशन की ब्रांड बिल्डिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। चाइना आखिर क्यों इतना इंटरेस्टेड हो गया है? एक कम्युनिस्ट देश है जो कि बहुत रिजर्व रहता है, अभी उसने ओलंपिक करवाया, ये करवाया, वो करवाया, कौन कौन से गेम कर रहा है, उसके थ्रू अपनी वो नेशन की ब्रांड इमेज बिल्डिंग करता है। यस, वी आर ऑल्सो कैपेबल इन कंपेरिजन ऑफ यूएस, यूके या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। वो दुनिया को बता रहा है, यूएस, यूको को बता रहा है, आई एम एट पार इन टर्म ऑफ कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक टर्म्स। अब ये चीज बर्दाश्त कैसे हो, सबसे बड़ी बात ये है। उसके लिए बहाने बहुत सारे हो सकते हैं। मैं तो बोलता हूं कि अगर बाइकॉट करना था तो वो ये अच्छा बहाना ये था कि ये जो आपका वायरस चला हुआ है, कोविड का बहाना लेके, लेकिन आई डोंट नो, शायद अमेरिका के लोगों ने इस चीज को जो है इशू वहां पे नहीं बनाया, कनाडा के इस चीज को इशू नहीं। मजेदार बात आप देखिए, ट्रंप जब थे, शायद 1-2 साल पहले की बात है, मैंने सुना था, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस वक्त अमेरिका खुद जो ह्यूमन राइट की काउंसिल है उससे निकल गया था। अभी कुछ साल पहले ही वो निकला हाँ जी, था वो और हमारे वो बेस्ट हमारे जो ट्रंप साहब थे ना इनके, हाँ जी, वो ऐसे काम करते थे। नहीं, वो कोई भी हो, बात वो देखिए, वो ट्रंप साहब नहीं निकले थे ह्यूमन राइट काउंसिल वगैरह से, अमेरिका निकला था एज ए नेशन। नहीं, वो और मतलब वो प्रेसिडेंट, वो उनके पास पावर है ना, उन्होंने कहा बाहर निकल जाओ, उन्होंने वो पेरिस पेरिस जो क्लाइमेट है वहां से भी बाहर निकल गए। हाँ जी, मतलब चलो इस किस्म की बातें तो होती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, कि हिंदुस्तान की तरफ से मैंने कोई बयान नहीं सुना ये देखिए, बैंक। मैं आपको एक चीज बताऊं, हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब ये है कि एक गुट निरपेक्ष और ये चीजें दो चीजों के बीच में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फटी में टांग, ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो नहीं गया है कि हिंदुस्तान को ये टर्मोयल है, जिन लोगों के बीच में है वो अपना देखेंगे, अभी टाइम है, फरवरी में होना है, अभी तो न जाने क्या क्या चीजें होंगी। तो जो चीजें चल रही है, ये प्रॉब्लम है आपका कनाडा वगैरह इन सब का जो है, कनाडा अमेरिका वगैरह का है, तो 4-5 बड़ी बड़ी बड़े बड़े देश जो वहां पे लगे हुए हैं, तो उनको मैनेज करने दीजिए ना, जब जरूरत नहीं होगी तो हम देखेंगे, हम कहेंगे कि इतनी नहीं क्या जरूरत मैंने वैसे ही आपसे पूछा, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। वो बायकॉट, मैं तो ये समझता हूँ, बायकॉट करो ना करो, चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, गेम्स जो हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस। मिश्रा जी, आपका जितना भी धन्यवाद करूँ मैं, उतना ही अपने समझता हूँ कि भाग्यशाली हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आपकी जो डेप्थ है, मैं पिछले ना 2 दिन से ज़रा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए आज मेरा जो उतना मैं पार्टिसिपेट आपके साथ नहीं कर सका। तो आपका धन्यवाद प्रोग्राम में आने का, और मैं अपने जितने भी धन्यवाद डॉक्टर हमारे साहब, हमारे जितने भी दर्शक हैं,